1.1 जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हैबिटेट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने पिछली कक्षा में प्राकृतवास अध्याय से यह जाना था कि किसी भी जीवों के आवास में उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की तेजी से घट रही है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे ही बाज, सोन चिरैया तथा कई अन्य जीवों के साथ भी है। ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लगी है। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? इस प्रकार जीवों का आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। क्या किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि जितनी तेजी से होती है उसके लिए खाद्य संसाधन, जैविक और अजैविक दोनों घटक भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे? यह जानने के लिए हम इस ग्राफ का उपयोग करेंगे। यह ग्राफ सन 1780 के दशक में किए गए किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि व उनके लिए खाद्य संसाधनों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है। ग्राफ देखकर बताएं कि क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है? इनमें से किसके बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है? वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व व लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे। इस तरह से जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषताएँ होती है? क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा? कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे। साथ ही उनके आगे कई सवाल थे, जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप में ही कहीं से डाल दिए गए हैं? या प्रकृति में जो जीव बच जाते हैं उनमें बदलाव आता है या वे विलुप्त हो जाते हैं? जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं और इन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। उसी समय कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिकों में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वैलेस थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए। आइए हम डार्विन के अध्ययन व अनुभव को समझें।